हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 4, और वो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आगे पीछे हूँ, तो इसके लिए मैं पहले से ही एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। तो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं, समझते भी हैं, उसके अलावा इसकी डेफिनेशन आगे और भी आने वाली है, ठीक है। तो पहले इस पूरे चैप्टर को हम लोग थोड़ा मोटा मोटा सा समझते हैं, फिर उसके बाद डिटेल से जो भी चीज़ें पूछ रखी है आपके सिलेबस में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि ये चैप्टर है क्या। तो ये एक एक्ट है, और ये समझिए कि आपके जो ये फार्म ये जो आपका ये सब्जेक्ट है इसमें सिर्फ एक्ट ही वगैरह ज़्यादा है। तो आज का जो चैप्टर है वो नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रिलेटेड जो एक्ट है और जो उसके रूल्स हैं उसी से रिलेटेड है। तो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो ये समझिए कि ये वो चीज़ें होती हैं जो किसी हद तक हमारे ब्रेन पे काम करती हैं और नशा का काम करती हैं, जैसे कि ओपियम हो गया, कोका हो गया, और क्या कहते हैं गांजा, चरस। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये सब नारकोटिक के अंदर आती हैं। ऐसे ही कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हमारे ब्रेन पे काम करती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है बेंजोडाइजिपिन, जैसे कि बारबिट्यूरेट्स जो दवाएं हैं, फेनोबारबिटल, मेफोबारबिटल, ऐसे ही डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, अल्प्राजोलाम, नीट्राजेपाम। तो ये सब जो दवाएं हैं ये क्या है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं। ऐसे ही जो अल्कोहल वगैरह है, तो इन दवाओं को रेगुलेट करने के लिए और सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ किया जाए, कोई इसको मिसयूज़ ना करे, अब्यूज़ ना करे, यानी गलत तरीके से लोग इसको यूज़ ना करें, उसका एडिक्शन ना हो लोगों को, उससे रोकने के लिए और जितनी ज़रूरत है दवा के लिए उतनी ही पैदावार किया जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। समझ में आ रही बात कि ये जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं और ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाए कि लोग इसको गलत तरीके से यूज़ ना करें। और इसको क्या, अब इसमें क्या बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसको हर आदमी क्या है, मतलब इसका कल्टीवेशन नहीं कर सकता, यानी अपने यहाँ पे इसको उगा नहीं सकता है, हर आदमी इसको अपने पास रख नहीं सकता है, बेच नहीं सकता है, ख़रीद नहीं सकता है। इन सब के लिए क्या है, रूल और रेगुलेशन है। ये सरकार के अंडर में सारे काम होते हैं, सरकार खुद करती है, अपने क्या है बहुत सारे अधिकारियों से करवाती है, और अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या है लाइसेंस और परमिट लेना पड़ता है। समझ में आ रही बात। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो फॉर नारकोटिक्स यानी नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस देयर वाज सेंट्रल एक्ट्स। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं कि ये पहली बार मतलब 1985 के अंदर ये एक्ट बना, बल्कि ये बहुत पहले से 1957 से ही ये एक्ट बन चुका था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को इसका एडिक्शन होता है, लोग इसके आदी हो जाते हैं, नशा हो जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग, कि उसको लोग करेंगे, खाएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा अफीम के बारे में, तो वही तो ओपियम है, अफीम हो गया, चरस हो गया, हीरोइन हो गया। तो ये सारी चीज़ों पे क्या है पाबंदी लगी हुई है, इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसे पकड़े जाते हैं तो उन पर बहुत मतलब भयंकर केसेस लगते हैं, बड़ी उन पर क्या है पेनाल्टी लगती है, पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से मतलब अपने इंडिया के अंदर इनको मतलब किसी हद तक कानून के दायरे में रखा गया है कि कोई इसको गलत तरीके से यूज़ न करे, वरना पता चला कि पूरी की हमारी जो इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन है सब लोग उसी में क्या है घुस गए, और क्या है सब नशा करके मस्त है सो रहा है, पुलिस वाले हैं वो नशा करके सो रहे हैं, फौजी लोग हैं वो भी क्या है चरस गांजा पी के सो रहे हैं। तो पता चलेगा कि कोई भी बाहर से आएगा और हमला करेगा और इसको फिर से एक बार गुलाम बना लेगा। तो इसलिए इसको क्या है कंट्रोल करने के लिए कि लोग इससे बचें, गलत तरीके से इनको यूज़ ना किया जाए, तो ये एक्ट वगैरह पहले से बनते आ रहे हैं। और ये सिर्फ अपने इंडिया के अंदर ही नहीं, बल्कि मतलब और भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इसके लिए क्या है रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं आपस में मिल के उन्होंने भी कुछ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि आप हमारे यहाँ से आपके यहाँ पर ये जाएगा नहीं, हाँ अगर जाएगा तो सरकारी तौर पर परमिशन वगैरह होगा, आप अपनी कंट्री से हमारे कंट्री में इसको आने नहीं देंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस। समझ में आ रही बात। तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी यानी बहुत सारे जो हमारे दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में कुछ हमारे मुआहिदे हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं, ठीक। तो चलिए हाँ, तो पॉइंट पे आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं तो इनके लिए देयर वॉज सेंट्रल एक्ट्स, पहले से एक्ट मौजूद थे, ठीक है।
और वो क्या थे, जैसे कि ओपीएम एक्ट 1857। अब ये एक्ट क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल से, ठीक है। ऐसे ही क्या है ओपीएम एक्ट 1878, ऐसे ही क्या है डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। ये क्या है, ये पहले से एक्ट मौजूद थे, इन्हीं को सेंट्रल एक्ट बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सेंट्रल एक्ट किन को बोला जाता है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई नया एक्ट बना और उसी से रिलेटेड कोई पहले कोई एक्ट मौजूद था और उसी को सामने रखते हुए उसको चाहे रद्द कर दिया गया हो पीछे वालों को, या उसी में अमेंडमेंट करके कोई नया एक्ट बनाया गया हो, तो जो पिछले वाले एक्ट्स हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल एक्ट, ठीक है। तो ये सेंट्रल एक्ट थे, यानी पहले से ये एक्ट, ये कानून, ये लेजिस्लेशन, ये लॉ हमारे यहाँ पे पहले से मौजूद थे इंडिया के अंदर, ठीक। तो लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, बट दीज एक्ट्स हैव मैनी ड्रॉबैक्स, लेकिन क्या है इसमें बहुत सारी कमियां थी, क्या थी, बहुत सारे डीमेरिट्स थी, बहुत सारी कुछ कमियां थी, रह गई थी, एंड वर नॉट सफिशियंट विद दी चेंजिंग ऑफ दी सर्कमस्टेंसेज। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो हालत है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते गए। अब ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही जैसी स्थिति रहती है, एक ही जैसी हालत रहती है, कंडीशन रहती है, तो मौजूदा कंडीशंस के लिए, मौजूदा स्थिति के लिए वो जो पहले से रूल और रेगुलेशन बने थे वो काफ़ी नहीं हो पा रहे थे, यानी उन रूल और रेगुलेशन के ज़रिए से इस पे जो ये नारकोटिक ड्रग्स हैं और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं उन पे कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा था और उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिपील्ड एंड पास्ड द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये याद रखिएगा, इसका जो मतलब ये है कब आया था ये, बस। तो क्या कह रहे हैं, तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया, रिपील्ड किया। रिपील्ड का मतलब जो ये पुराना एक्ट था उसको इनवैलिड कर दिया, कहा कि अब ये जो एक्ट है अब उसकी वैल्यू नहीं है, वो इनवैलिड है, अब उसको ख़त्म किया गया। फिर उसके बाद एक नया एक्ट पास किया जिसको हम लोग NDPS बोलते हैं, 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। और ये कब मतलब फोर्स में आया, यानी कब इसको लागू किया गया, तो 14 नवंबर 1985 को इस एक्ट को लागू कर दिया गया था। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो आप इतनी सारी बातें सुनने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टू नारकोटिक ड्रग्स, तो ये कह रहे हैं कि नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड जो लॉ है उसको अमेंड करना, यानी उसमें और अच्छे से उसको अमेंड करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना और कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को क्या उसकी पोजीशन को और ऊपर ले जाना और उसको मजबूत करना, पावरफुल बनाना, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना। यानी ये जो लॉ थे वो इतने मतलब मजबूत नहीं थे कि उसको कंट्रोल कर सके इन सब्सटेंसेस पे, तो इनको और स्ट्रॉन्ग बनाया गया और मजबूत बनाया गया, ठीक। तो एक इसका ये ऑब्जेक्टिव था। और क्या था, टू कंट्रोल, प्रोहिबिट एंड रेगुलेट दी ऑपरेशंस रिलेटेड टू NDPS, और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस से रिलेटेड जो ऑपरेशंस थे, ऑपरेशन मतलब सारे वो काम, जैसे कि मान लीजिए उसका कल्टीवेशन करना, उसको पैदावार करना, ठीक, उसको क्या है उससे दवाएं बनाना या बेचना, खरीदना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, दवाएं बनाना, तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो इससे रिलेटेड हैं। तो इससे रिलेटेड जो ऑपरेशंस थे उनको रेगुलेट करना, रेगुलेट करने का मतलब ये है कि कब किया जाए, कब ना किया जाए, उसको चलाना, ठीक है। तो ये सारे कामों को क्या है, रेगुलेट करना, चलाना, देखना, और कभी ज़रूरत पड़े तो उसको पढ़ने पर उसको कंट्रोल किया जाए कि ये इतना ही होगा, इससे ज़्यादा ये काम नहीं किया जाएगा, और फिर उसको क्या है ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल रोक दिया जाएगा। तो ये सारे काम को करने के लिए ये रूल बनाया, ये एक्ट बनाया गया। ऐसे ही टू मेक एस्ट्रिंजेंट प्रोविजंस टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दी ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू NDPS, और फिर एक क्या है इसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए एस्ट्रिंजेंट प्रोविज़न बनाने के लिए भी ये एक्ट लाया गया। उस जो पुराने एक्ट से उसके अंदर क्या है जो मतलब कानूनी सजाएं थी वो बहुत हल्की थी, समझ में आ रही बात, जो पुराना एक्ट था उसमें जो सजाएं थी जो वो बहुत हल्की थी, तो उसको और स्ट्रॉन्गेस्ट करने के लिए, यानी समझ लीजिए कि तगड़ी तगड़ी सजाएं उस पर पेनाल्टीज लगाने के लिए ये रूल बनाया गया, वही मतलब होता है स्ट्रिंजेंट, ठीक है। स्ट्रिंजेंट का मतलब ये है कि धांसू टाइप की, मतलब भयंकर टाइप की, जैसे आप पढ़ेंगे अभी आगे कि इसमें पेनाल्टीज कितनी है, आपने पीछे पढ़ा होगा कि कोई गलत दवा बेच रहा है तो 5,000-10,000 की पेनाल्टी लगती है, लेकिन अगर इस वाले मामले में कोई पकड़ा जाता है कोई मतलब गलत तरीके से
इसको खरीद रहा था या बेच रहा था, तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का पेनाल्टी और सजाएं लंबी लंबी होती है इसमें। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब ये है कि मतलब खूब स्ट्रॉन्गेस्ट और भयंकर टाइप की सजाएं इसके लिए बनाई जाए ताकि लोग उससे डर के और इस जैसे जो इससे रिलेटेड ऑपरेशंस हैं उसको छोड़ दें। और क्या था, टू प्रोवाइड लाइसेंसिंग सिस्टम टू रेगुलेट कल्टीवेशन मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। और क्या था, तो लाइसेंसिंग सिस्टम प्रोवाइड करना था, ठीक है, ये सारे जो काम है इसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम प्रोवाइड करना भी एक उद्देश्य था इसका, इस एक्ट का। और क्या था, टू प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन NDPS। और जो NDPS से रिलेटेड जो इंटरनेशनल प्रोविजंस थे, यानी इंटरनेशनल कन्विक्शंस थे, कुछ एग्रीमेंट्स थे, कुछ कानून और रूल और रेगुलेशंस जो बनाए गए थे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको इंडिया के अंदर लागू करने के लिए और बाहर जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये एक्ट बनाया गया। अब इसमें कुछ डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ऐसा नहीं कुछ भी हो जाए, बल्कि इस वाले एक्ट के अंदर कुछ टर्म्स आते हैं जो मतलब आसानी से आमतौर से समझ में नहीं आता है, तो उनको अलग से ये मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अंदर ये दिया गया है कि ये जो हमने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है तो इसका क्या मतलब है, तो वही हम लोग डेफिनेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो एक उसमें क्या है, एडिक्ट, कई सारे हैं लेकिन इसमें हम लोगों ने खास खास लिए हैं, ठीक है। तो एक क्या है, एडिक्ट, तो एडिक्ट मतलब होता है कि जो आदमी किसी चीज़ का आदि हो गया हो, किसी चीज़ का उसको नशा लग गया हो, उसको बोलते हैं एडिक्ट, ये एडिक्शन से बना है। तो जो आदमी अब इस वाले एक्ट में, तो यहाँ पे मुराद ये नहीं कि किसी को चाय की आदत हो, बल्कि जो नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का जिसको आदत लग गई हो तो उसको बोलते हैं एडिक्ट, ठीक है। दूसरा एक टर्म है इसके अंदर कैनाबीज, तो कैनाबीज का मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर मतलब तीन चीज़ें आती हैं, एक आता है चरस, चरस भी आप जानते हैं, दूसरा आता है गांजा, और तीसरा कोई भी चीज़ जो इनसे मिला के या इनसे रिलेटेड या डेरिवेटिव्स के तौर पे उनको बनाया गया है, यानी चाहे गांजा से या चरस से निकाल के उसको किसी भी तरीके से मिक्स करके बनाया गया हो तो उसको भी क्या है, वो भी कैनाबिस के अंदर आता है। तो ये जो चरस है वो क्या होता है, तो ये सेपरेटेड रेजिन होता है। अब रेजिन वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं आप, ये समझिए कि जैसे कि आपने देखा होगा कि ये पौधा है उसको कट लगा देते हैं तो वहाँ से जो चीज़ निकलती है मतलब पानी टाइप की, फिर वो जम जाती है, वो रेजिन होता है। तो ये जो चरस है तरीके का, ये क्या है, ये सेपरेटेड रेजिन होता है। अब वो चाहे जिस भी फॉर्म के अंदर हो, जो कि कैनाबिस प्लांट से मिलता है तो वो होता है चरस, तो वो भी कैनाबिस में आएगा, ऐसे ही गांजा। तो ये क्या है, जो कैनाबिस प्लांट है उससे ये उसका फ्लावरिंग या क्या कहते हैं, फ्लावरिंग या ये फ्लोटिंग नहीं है, फ्रूटिंग है, क्या है, तो फ्रूटिंग, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप जो होता है, यानी मान लीजिए पेड़ है, पौधा है, तो इसका जो फ्लावर है ऊपर वाला जो हिस्सा है या जहाँ पे फल होता है या जहाँ पे फूल वगैरह होते हैं, तो वहाँ से जो लिया जाता है उस प्लांट्स का जो हिस्सा, मतलब यहाँ फ्लावरिंग टॉप से, यानी ऊपर वाला जो फल वाला हिस्सा है वहाँ से लिया जाता है, या जहाँ पे फूल लगे वहाँ से लिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गांजा, ठीक है। तो एक ही प्लांट से ये मिलने वाली चीज़ें हैं, या उसी प्लांट से, या उसी प्लांट से विद और विदाउट एनी नेचुरल मटेरियल ऑफ एनी ऑफ द एबव फॉर्म ऑफ द कैनाबिस। अब ये जो कैनाबिस के जो मतलब ये दो टाइप्स हो गए, तो इन्हीं का मिक्सचर बनाया जाए, चाहे उसमें कुछ नेचुरल चीज़ें हों या कुछ अलग से कोई चीज़ें उसके अंदर मिला के अगर कोई और चीज़ बनाई जा रही है तो वो भी कैनाबिस के अंदर आता है। ऐसे ये कोका है, तो कोका आपने पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी के अंदर, एरिथ्रोक्साइलम कोका। तो कोका प्लांट का मतलब ये होता है कि वो स्पेसीज जो कि हमको कोका, जो कि हमको एरिथ्रोक्साइलम कोका से मिलता है, ठीक। तो ये भी एक तरीके का प्लांट होता है जो हमारे नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ऐसे ही ओपियम, इसका डेफिनेशन पूछ लेता है कई बार, तो इसका क्या मतलब होता है, तो द कोगुलेटेड जूस ऑफ द ओपियम पोपी। आपने वहाँ पे पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी के अंदर कि ओपियम का कौन सा पार्ट यूज होता है, तो आपने पढ़ा था कि ड्राइड जूस यूज होता है, तो वही ड्राइड जूस को हम लोगों ने कहा है कोगुलेटेड जूस। कोगुलेटेड मतलब जो जम जाता है, थक्का जम जाता है, तो उसमें से जो जूस निकल के थक्का जम जाता है वो होता है कोगुलेटेड। तो आप यहाँ पे, तो ओपियम पोपी जो ये प्लांट है इससे निकला हुआ जो जूस होता है
तो वो भी ओपियम कहलाता है, या एनी मिक्सचर विद और विदाउट एनी नेचुरल मटेरियल ऑफ द कोगुलेटेड जूस, या जो कोगुलेटेड जूस है उसके साथ में कोई और नेचुरल मटेरियल या कुछ भी मिला के अगर कोई दूसरी चीज़ बनाई जा रही है तो वो भी किस में आएगा, ये उसको भी हम लोग ओपियम बोलेंगे। लेकिन वो क्या है, वो ज़्यादा होना चाहिए, जो मतलब हम लोग किसी चीज़ में मिला रहे हैं कोई मटेरियल है उसके अंदर इसकी जो मात्रा है वो 0.2% से अगर ज़्यादा है तब वो मतलब उसको ओपियम माना जाएगा, अगर इससे कम है तो उसको ओपियम नहीं माना जाएगा। ठीक, अब ओपियम पॉपी क्या होता है, तो ओपियम पॉपी यानी ये ओपियम का जो प्लांट होता है जिसको हम लोग पापावर सोमनीफेरम लीन बोलते हैं, ये लीन है। ठीक है, तो जो पापावर सोमनीफेरम लीन का जो प्लांट है ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, समझ में आ रही बात, ये बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, तो उससे उसका जो प्लांट है तो उसके प्लांट से, तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपियम पॉपी बोलते हैं। या दी प्लांट ऑफ अदर स्पेसीज ऑफ पापावर फ्रॉम विच दी ओपियम इज ऑब्टेंड, या तो क्या है, जो ये पापावर सोमनीफेरम लीन है इसके अलावा कोई दूसरा प्लांट है जिससे हमको ओपियम अगर मिलता है तो उसको भी हम लोग क्या है, ओपियम पॉपी बोलते हैं। अब एक टॉपिक, एक डेफिनेशन और है, एक टर्म और है, वो क्या है, ओपियम डेरिवेटिव्स। तो ओपियम डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, मेडिसिनल ओपियम विच हैज़ अंडरगोन द प्रोसेस नेसेसरी फॉर मेडिसिनल यूज़। तो ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव्स का मतलब आप ये समझिए, जैसे कि जो असल चीज़ होता है उसको एज इट इज़ यूज़ ना करके उसमें कुछ चेंजेस ला के, उसमें कुछ मतलब हम लेबोरेटरी के अंदर कुछ चेंजेस लाएँ, कुछ उसके अंदर मिला दें, कुछ निकाल दें, तो ये जो फॉर्म हमको मिलता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अब ये समझिए कि मेडिसिनल ओपियम विच हैज़ अंडरगोन द प्रोसेस नेसेसरी फॉर मेडिसिनल यूज़, इसका मतलब ये कि मेडिसिनल यूज़ के लिए उसके अंदर कुछ ज़रूरी जो चेंजेस हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो वो डेरिवेटिव्स उसके एग्जांपल क्या है, कुछ डेरिवेटिव्स के जो मतलब हम लोगों ने ओपियम के अंदर कुछ चेंजेस करके नए नए उसके फॉर्म बना लिए, तो जैसे कि मॉर्फिन ये दवाओं में यूज़ होता है, कोडीन यूज़ होता है, ऐसे ही क्या है, थीबैन यूज़ होता है, ऐसे ही डाइमॉर्फिन, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जो ओपियम डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, ऐसे ही नारकोटिक ड्रग क्या होता है, नारकोटिक ड्रग आपने बार बार सुना, तो नारकोटिक ड्रग का मतलब क्या है, तो नारकोटिक ड्रग का मतलब कोका लीव, कोका लीव आपने पढ़ा ना कोका, तो कोका लीव्स वो भी नारकोटिक में आएगा, ऐसे आपने पढ़ा कैनाबीज तो ये भी क्या है, नारकोटिक में आएगा, ऐसे ही ओपियम या पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम आपने पढ़ लिया, पॉपी स्ट्रॉ क्या होता है, तो जो उसका मतलब ये समझिए जो उसका फल है उसके उसका सीड वगैरह जो निकाल दिया जाता है, सीड निकालने के बाद ऊपर से जो छिलका वगैरह बचता है तो वो होता है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब असल में होता है भूसी, घास, खरपतवार, एंड इंक्लूड्स ऑल मैन्युफैक्चर ड्रग, और भी इनसे जो बनी हुई जितनी भी दवाएं हैं, इनसे मिलके बनी हुई जितनी दवाएं हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। अब एसेंशियल नारकोटिक ड्रग क्या होता है, तो मींस ए नारकोटिक ड्रग्स नोटिफाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मेडिसिनल एंड साइंटिफिक यूज़। तो एसेंशियल नारकोटिक ड्रग का मतलब ये होता है कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया है कि ये इतनी, ये बता दिया है कि ये जो चीज़ है और ये जो इसकी क्वांटिटी है ये क्या है, मेडिसिनल यूज़ के लिए या साइंटिफिक यूज़ के लिए है, तो उतनी जो तादाद है, उतनी जो क्वांटिटी है उसकी, वो होता है एसेंशियल नारकोटिक ड्रग। और एक होता है कमर्शियल क्वांटिटी, तो कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब इस संदर्भ में, यानी जो नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है वहाँ पे कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, तो इन रिलेशन टू नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मींस एनी क्वांटिटी ग्रेटर देन द क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो इनका जो अपना सालाना एक गैजेट आता है, यानी समझिए पूरा एक पूरी किताब छापते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है, तो उनका जो ऑफिशियल गैजेट आता है तो उसमें वो उन्होंने बताया, नोटिफाई किया कि कितनी तादाद अगर है तो उसको हम लोग मतलब एसेंशियल मानेंगे, कितनी क्वांटिटी है उसको हम लोग एसेंशियल मानेंगे, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कमर्शियल। तो कमर्शियल का मतलब ये होता है कि बिजनेस के पर्पज़ से, एक तो ये कि दवा वगैरह के लिए है तो वो सही है, लेकिन अगर जो क्वांटिटी गवर्नमेंट ने बताई है कि इतनी क्वांटिटी ये एसेंशियल है और उससे अगर ज़्यादा होता है तो वो क्वांटिटी क्या कमर्शियल मानी जाएगी, तो उसके लिए अलग रूल और रेगुलेशन होंगे। तो उस क्वांटिटी को जो उन्होंने स्पेसिफाई किया है उससे अगर ज़्यादा होता है तो उसको कहा जाता है कमर्शियल क्वांटिटी। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा एक ही रहे, वो मतलब हर साल के हिसाब से जो गैजेट अपना पेश करते हैं उसके हिसाब से वो अलग भी हो सकता है। अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर्स, तो इसको हम लोगों ने तीन भाग में बांट रखा है, ठीक है, अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर्स को हम लोगों ने तीन पार्ट में बांट रखा है। तो एक हमारा क्या है, ए, ठीक है, उनके काम के हिसाब से, तो मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर
प्रिवेंटिंग एब्यूज ऑफ एनडीपीएस एंड इलिसिट ट्रैफिक। तो मीजर का मतलब ये होता है कि क्या वो उपाय, मीजर का मतलब उपाय, तरीके, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्या कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के एब्यूज को यानी गलत तरीके से यूज करने को रोकने के लिए और इलिसिट ट्रैफिक यानी उसके बाई और सेल को इलीगली बाई और सेल को रोकने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ उपाय अपनाती है, कुछ मेजर्स अपनाती है, तो वो क्या हैं? तो वो क्या करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या क्या करती है? तो इट हेल्प्स वेरियस ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट। तो जो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो दूसरे अथॉरिटीज़ हैं जो इस एक्ट के अंदर आते हैं, यानी बताया गया कि इतने इतने इसके अंदर ऑफिसर्स होंगे, इतने कहते अथॉरिटीज़ होंगी, तो अथॉरिटीज़ होंगे, इतने अधिकारी होंगे, तो ये जितने भी अधिकारी और ऑफिसर इस एक्ट के अंदर आते हैं ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट, उन सब की हेल्प करना ये इसकी एक जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही क्या है, इट कैरीज़ आउट ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस। ऐसे ही जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उसके जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, तो उसको क्या है परफॉर्म करना, उसको करना, ये भी क्या है सरकार की जिम्मेदारी, यानी कुछ एग्रीमेंट है कि आपके कंट्री में ये काम नहीं होंगे, इस तरीके से नहीं होंगे, तो उन सबको क्या है सही से करना भी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ऐसे ही जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी दूसरी कंट्री के अंदर इन चीज़ों से रिलेटेड, एनडीपीएस से रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी हेल्प करना, ये भी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इसकी जिम्मेदारी क्या है, तो इट पेज अटेंशन ऑन ट्रीटमेंट, एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट्स। ऐसे जो एडिक्ट्स पर्सन है यानी जिनको एडिक्शन है, जिनको लत लग गई है, तो उनके लिए क्या है खास अटेंशन दिखाना है, यानी मतलब ध्यान देना है सरकार को कि कैसे उनको ट्रीट किया जाए कि उनकी आदत वो छूट जाए, उनको समझाया जाए, उनको पढ़ाया जाए इसके रिलेटेड कि अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, और उनकी आदत को क्या है छुड़ाया जाए, क्या उनकी आदत को छुड़ाया जाए और उसकी वजह से जो दिक्कत है, जो बीमारियां उनको हो गई हैं, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक। तो ये भी क्या है सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके अंदर कुछ ऑफिसर्स आते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स बनाती है, तो वो क्या है, तो इट अपॉइंट्स नारकोटिक कमिश्नर। तो एक तो क्या करती है कमिश्नर बनाती है, और कुछ अदर ऑफिसर्स जैसे कि ज़रूरत होती है उसके हिसाब से कुछ और ऑफिसर्स तय करती है, 5, 10, 15 जितनी की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से कुछ और ऑफिसर्स दे देती है, बना देती है, जो इसके अंडर में, कमिश्नर के अंडर में काम करते हैं। अब ये जो कमिश्नर है और जो ये ऑफिसर्स हैं इनका काम क्या है, तो दिस सुपरविजन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ ओपियम पॉपी। तो ये ओपियम पॉपी का जो कल्टिवेशन होता है यानी उसको बोना, फिर उसको काटना, छांटना, ये सारे जो काम है, तो जो कल्टिवेशन उसका पैदावार करना, तो ये किन के अंडर में होता है, तो ये इनके सुपरविज़न में होता है, जो कमिश्नर है और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं इनके अंडर में ये सारे काम होंगे, यानी ये बताएंगे कितनी इसकी बुआई होगी, कब कटाई होगी, नहीं होगी, ये सारे काम इनके अंडर में होते हैं। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ओपियम अकॉर्डिंग टू नीड्स। और ये कि कितना इसका प्रोडक्शन करना है, यानी हमारे कंट्री के अंदर दवाओं से रिलेटेड कितनी ज़रूरत है, या बाहर भेजने की अगर ज़रूरत है तो कितनी हमको इसकी पैदावार करनी है, तो इस पर भी इनका पूरा कंट्रोल होता है, नियंत्रण ये करते हैं इसको। तीसरा जो इसमें अथॉरिटीज़ और ऑफिसर्स हैं, वो तीसरी जो टाइप है, तो वो क्या है एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी। तो इस कमेटी को कौन बनाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि बनाना, गठित करना, गठन करना, ठीक है। तो गठन कौन करती है, कौन बनाती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है। ऐसा ही दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 20। और जो इसके मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, सबको मिला के 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक चेयरमैन हो गया और 19 मेंबर और इसके अंदर जुड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं होंगे, 20 के अंदर रहना चाहिए। अब इनका फंक्शन क्या है, ये जो मतलब कंसल्टेटिव कमेटी है, तो दिस कमेटी कंसल्टेटिव का मतलब समझ लीजिए जो मतलब कंसल्टेशन करेंगे, यानी एडवाइस वगैरह देंगे, ठीक।
तो दी कमेटी शेल एडवाइज दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब कंसल्टेटिव कमेटी है तो इसका जो मेन काम होगा वो एडवाइस देने का होगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये क्या एडवाइस देती है, ऑन दी मैटर्स रिलेटिंग टू दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी एक्ट। तो ये जो एक्ट है उसको कैसे पूरी तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए, उसको चलाया जाए, कैसे उसको लागू किया जाए, उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, तो उससे रिगार्डिंग क्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। ऐसे ही दी कमेटी विल मीट व्हेन रिक्वायर्ड। और ये कमेटी की जो मीटिंग होती है, जब ज़रूरत पड़ती है लोग अपनी मीटिंग कर लेते हैं, एंड हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। और इनके पास इतना पावर होता है कि अगर इनको कुछ करना है तो किसी के मोहताज नहीं होते हैं, बल्कि ये अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट कर सकते हैं। द कमेटी कैन कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर सब कमेटीज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। और अगर इनको ज़रूरत पड़ रही है कि मान लीजिए कमेटी बन गई, तो उस कमेटी के अंदर और ही अपनी एक छोटी कमेटी, एक या एक से ज़्यादा छोटी कमेटियाँ ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है, ताकि अपने काम को अच्छे से वो परफॉर्म कर सकें। अब एक टॉपिक था प्रोहिबिशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। कंट्रोल का मतलब यह है कि उसको कंट्रोल किया जाए, यानी जितनी तादाद में, जितनी क्वांटिटी, जितनी मकदार में हमको ये काम करना है उतना ही हुआ हो, यानी कितना उसको प्रोडक्शन करना नहीं करना है। और रेगुलेशन का मतलब ये होता है उसको चलाना, ठीक। तो प्रोहिबिशंस ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस, तो कुछ ऐसे काम है जिससे क्या है रोका गया है आम लोगों को, यानी हर आदमी वो काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, तो कल्टीवेशन ऑफ एनी कोका प्लांट और गैदरिंग ऑफ एनी पोर्शन ऑफ कोका, ठीक है। तो जो कोका प्लांट है तो उसको क्या है कोई भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, यानी कोई उसको बो नहीं सकता, काट नहीं सकता, उसका कल्टीवेशन नहीं करेगा। और अगर कहीं पे वो मतलब अगर मान लीजिए जंगल में, खेतों में कहीं पे वो उग रहे हैं खुद ब खुद, तो उसको क्या है वो जमा भी नहीं कर सकता, यानी कि उठा के ला रखा है तो मैंने बोया तो नहीं है, मैं तो वहाँ से लेके आया हूँ, तो ये भी क्या है पाबंदी है इस पे भी, ठीक है, उसको कोई जमा नहीं करेगा कहीं से ला के। और क्या है कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी एंड और एनी कैनाबीज प्लांट, जो ओपियम पॉपी है या जो दूसरे क्या है कैनाबीज प्लांट्स वगैरह हैं, जैसे गांजा चरस या उससे मिक्सचर कोई बना हुआ, तो उन सब का भी कल्टीवेशन वगैरह करना भी क्या है पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, मना है, ठीक। और क्या है प्रोडक्शन मतलब पैदावार, उसको उगाना, मैन्युफैक्चर करना, पजेज मतलब अपने पास रखना, सेल करना, परचेज करना यानी बेचना, खरीदना, ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह भेजना, स्टोर करके रखना, ऐसे यूज़ करना, ऐसे इंपोर्ट इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट इंटर स्टेट, या इंपोर्ट इनटू इंडिया, इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना, या एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया या इंडिया से बाहर भेजना एनी नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो जो भी ये क्या है NDPS है, इनके रिगार्डिंग ये जितने काम हैं, ठीक है, ये जितनी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और इसके अलावा और भी अगर कोई चीज़ें छूट रही हैं जो इनसे रिलेटेड है, किसी तरीके की हेल्प करना, किसी की खुद तो नहीं कर रहा ये काम, लेकिन उसको क्या है उसके रास्ते बता रहा है, उसको कहीं से मिलवा रहा है किसी आदमी से, खुद तो नहीं बेच रहा है, खरीद भी नहीं रहा है, लेकिन दो आदमियों को मिलवा रहा है जो बेचेंगे खरीदेंगे। तो किसी भी तरीके की कोई भी काम इनसे रिलेटेड कोई कर रहा है तो वो जुर्म कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं प्रोहिबिटेड हैं, मना है। हाँ ये कि इसके लिए फिर उनको परमिशन वगैरह लेंगे वो, तब ये सारे काम कर सकते हैं। तो अब कंट्रोल एंड रेगुलेशन, अब इसको कंट्रोल और उसका रेगुलेशन क्या है, यानी कंट्रोल और रेगुलेशन का मतलब ये कि कंट्रोल में ये काम किया जाएगा, किसी के अंडर में रह के ये काम आप कर सकते हैं, तो वो किसी के अंडर में रह के आप इसको क्या है काम को करेंगे, तो वो होता है कंट्रोल एंड रेगुलेशन। तो दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स परमिट लाइसेंस एंड रेगुलेट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, याद रखिएगा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इसको क्या इसके लिए परमिशन देते हैं, यानी परमिट बनता है, मतलब समझ लेते हैं ऑथराइजेशन बनता है या लाइसेंस बनवाना पड़ता है इनसे, अगर इनमें आप इन सब चीज़ों में अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो ये लोग लाइसेंस के थ्रू और क्या कहते हैं परमिट के थ्रू इस सारे काम को रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं। अब वो क्या क्या काम है, तो वही ऊपर जो आपने काम पढ़े हैं वही सारे काम क्या हैं उसको ये लोग रेगुलेट करते हैं परमिशन के थ्रू। तो वही कल्टीवेशन, कलेक्शन ऑफ कोका, ओपियम प्लांट,
पोजेशन, सेल, परचेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, तो ये सारे जो काम हैं ऊपर जो आपने अभी पढ़ा ना, जो जितने भी काम पाबंदी हैं जिन पे जिनको रोका गया है, उन सारे काम को करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट परमिट देती है, लाइसेंस देती है, तब ये इस तरीके से इसको ये एक लोग कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब एक टॉपिक है वो है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़। अगर कोई इनको करता है तो वो जुर्म है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑफेंस किया उसने। अगर ऑफेंस किया तो उसको क्या पेनाल्टी देनी पड़ेगी, क्या सज़ाएं होंगी, तो वो दो चीज़ें हमको इसमें और पढ़ना है इस टॉपिक के इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला क्या है, कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ एक्ट एंड रूल्स रिलेटेड टू NDPS। ठीक है, तो NDPS से रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशन, अगर कोई उनके अगेंस्ट जाके कोई काम करता है, उन रूल और रेगुलेशन को तोड़ता है, तो क्या होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 to 20 years, तो 10 से 20 साल की उसको क्या है, जेल की सज़ा होगी। और जेल की सज़ा ऐसी नहीं बल्कि बहुत सख्त, रिगरस मतलब ला के खूब मेहनत करवाएंगे, कूटेंगे बढ़िया से वहाँ पे, समझ में आ रही बात। तो रिगरस का मतलब होता है कि एकदम सख्त, हार्ड, मुश्किल, दुखों भरा, तो मतलब तकलीफ वाली उसको सज़ा मिलेगी 10 से 20 साल की। ऐसे ही इलीगल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन टू और आउट ऑफ द इंडिया और डीलिंग इन NDPS, तो ये जो मतलब इलीगल तरीके से अगर कोई क्या है इनको एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या कहते हैं, इंपोर्ट कर रहा है, या किसी भी तरीके की डीलिंग कर रहा है, ठीक, तो भी उसको कितना, 1 to 2 lakh रुपए के उसका उस पर जुर्माना लग सकता है या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ऐसे ही अलाउिंग यूज़ ऑफ प्रीमिसेज, व्हीकल्स एक्सेट्रा फॉर डूइंग ऑफेंसेज अंडर द एक्ट, तो इस एक्ट के अंडर में, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जिन कामों को ऑफेंस माना गया है, जुर्म माना गया है, उसके लिए अपने प्रीमिसेज को देना, किसी को यूज़ करने के लिए अपनी गाड़ी को देना, अपना घर देना, किसी भी तरीके से हेल्प करना किसी को इन सब काम के लिए, तो वो भी क्या है, एक तरीके से मुजरिम है, खुद नहीं कर रहा लेकिन किसी को हेल्प कर रहा है, तो वो भी क्या है, मुजरिम है, तो उसको भी वही जुर्माना लगेगा। ऐसे ही क्या है, एम्बेजलमेंट ऑफ ओपियम पॉपी बाई लाइसेंस कल्टिवेटर्स, तो जिनको लाइसेंस दिया गया है कल्टिवेट करने के लिए, अगर वो किसी भी तरीके का घोटाला वगैरह करते हैं, किसी तरीके के उसमें क्या है शरारत करते हैं, तो उनको भी क्या है उतना ही जुर्माना देना पड़ेगा। एम्बेजलमेंट का मतलब किसी भी तरीके का गबन, घोटाला, तो 1 to 2 lakh रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और क्या था डी, डी में क्या है, कंट्रावेंशंस रिलेटिंग टू कैनाबीज प्लांट एंड कैनाबीज अदर देन गांजा। ठीक है, तो अगर कोई गांजा से जो क्या कहते हैं कैनाबीज प्लांट है उससे रिलेटेड कोई क्या कंट्रावेंशन कर रहा है, कोई रूल और रेगुलेशन तोड़ रहा है, ठीक है, और वो जो कैनाबीज है वो अदर देन गांजा होना चाहिए, यानी गांजा उसमें निकाल दिया गया है, उसके गांजा के अलावा चरस है या चरस से मिक्सर कोई बनाया गया है, तो उसके रिलेटिव कोई अगर कोई वो जुर्म कर रहा है, तो उसको भी क्या है 1 to 2 lakh रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर क्या कहते हैं गांजा से रिलेटेड कोई जुर्म कर रहा है वो, ठीक है, कैनाबीज के अंदर गांजा भी आता है, तो अगर गांजा से रिलेटेड कोई जुर्म कर रहा है तो उसको क्या है, क्या कहते हैं 5 साल की सज़ा हो सकती है और 50,000 रुपया जुर्माना उसको लग सकता है, ठीक, लगेगा उस पर। फेलियर टू कीप अकाउंट्स, सबमिट रिटर्न्स एज रिक्वायर्ड और कीपिंग फॉल्स अकाउंट्स और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, अगर कोई क्या है जो हिसाब किताब है, यानी किसी को जिम्मेदारी दी गई है सब काम करने की, यानी उसको परमिशन वगैरह दिया गया है, तो उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स है, जो हिसाब किताब है, उसमें वो क्या कर रहा है, किसी तरीके का मतलब उस जो हिसाब है वो देने में वो नाकाम रह रहा है, यानी वो हिसाब नहीं दे पा रहा है, यानी इसका मतलब उसने हिसाब किताब सही से किया नहीं, गड़बड़ी किया है। ऐसे ही क्या वो फेल हो रहा है सबमिट करने में रिटर्न्स को, यानी मान लीजिए उसको बहुत सारे नारकोटिक ड्रग्स दिए गए कि आप इसको यूज़ करिए, जितना यूज़ हो जाए उतना यूज़ करिए, बाकी को आपको वापस भेजना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन जो आप बाकी वापस भेजना था, रिटर्न करना था, वो रिटर्न नहीं कर पा रहा है, सबमिट करने में वो फेलियर हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो क्या है वो गलत रिकॉर्ड बना रहा है, ऐसे ही क्या है कीपिंग फॉल्स अकाउंट, उसने गलत हिसाब किताब किए है, बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर किया है, तो भी या तो फिर उसने क्या गलत स्टेटमेंट दिया है, कुछ भी, यानी समझिए कि कोई भी इससे रिलेटेड काम है जो उसने गलत किया है, तो उसको क्या है 5 साल की रिगरस जेल की सज़ा होगी, और या तो उसको फाइन देना पड़ेगा, या तो फिर दोनों, सज़ा भी होगी और फाइन भी देना पड़ेगा। ऐसे ही क्या है फेलियर टू प्रोड्यूस लाइसेंस परमिट्स एक्सेट्रा ऑन डिमांड बाय द अथॉरिटीज़, और जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने लाइसेंस वगैरह ले रखा है काम करने के लिए, तो अगर किसी सरकारी अथॉरिटी ने उससे लाइसेंस मांग लिया, परमिट मांग लिया, और वो उसको नहीं दे पाया, हालांकि उसने बनवा रखा है, लेकिन अगर वो नहीं दे पाता है तो भी उसको क्या है सज़ा हो सकती है, कितनी 3 साल की, वो भी रिगरस
ठीक है, 3 साल की जेल की सज़ा होगी, या तो फिर फाइन देना पड़ेगा, या तो फिर दोनों भी कर सकते हैं वो। ऐसे ही विलफुल ब्रेकिंग ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट फॉर विच नो पेनाल्टी इज मैंशनड, और जो भी एक्ट्स वगैरह हैं उनको अगर जानबूझ के वो तोड़ता है, विलफुल यानी जानबूझ के उनको तोड़ने का काम करता है, डेलिब्रेटली कर रहा है, और उसके लिए कोई सज़ा मुतय्यन नहीं है, कोई सज़ा बताई नहीं गई है कानून के अंदर अभी, तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, तो उसको भी क्या है 3 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या उस पर फाइन लग सकता है, या दोनों लग सकते हैं। ऐसे क्या है इलीगल पोजेशन फॉर पर्सनल यूज और कंजप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, कोई आदमी ऐसा है कि जो इलीगल तरीके से अपने पास रखता है, ठीक है, इलीगल तरीके से उसने ले रखा है पर्सनल यूज़ करने के लिए, या तो फिर उसने क्या है यूज़ कर लिया, उसको कंजप्शन कर लिया, खा लिया, यूज़ कर लिया, हीरोइन यूज़ किया, और वो पकड़ा जाता है, तो उसको क्या है 1 साल की रिग्रस इम्प्रिजनमेंट की 1 साल की सज़ा उसको होगी, या तो उस पर फाइन लगेगा, या फिर उसको दोनों देने पड़ेंगे। ऐसे ही क्या है ऑफेंसेस फॉर विच नो पनिशमेंट इज सेपरेटली प्रोवाइडेड, या कोई ऐसा काम है जिसके लिए मतलब कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बनाया गया है, यानी इनसे रिलेटेड कोई ऐसा जुर्म है, कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए अलग से कोई पनिशमेंट नहीं बताया गया है, तो उसको कितनी सज़ा होगी, तो 6 महीने की रिग्रस इम्प्रिजनमेंट उसको होगा, या तो फिर उसको क्या है फाइन देना पड़ेगा। ऐसे ही अटेम्प्ट ऑफ एबो ऑफेंसेज, और ऊपर जितने ये जुर्म बताए गए हैं कोई उनको किया तो नहीं अभी, लेकिन वो मतलब ये तो अभी न तो बेचा ना खरीदा कुछ भी, अभी जुर्म किया नहीं, लेकिन उसकी कोशिश की और नाकाम हो गया, कोशिश की और नाकाम हो गया, तो भी उसको ये क्या है उसी तरीके की सज़ा उसको मिलेगी जैसा वो जुर्म करने जा रहा था। समझ में आ रही बात कि उसने जुर्म किया नहीं लेकिन जुर्म करने की कोशिश की किसी भी तरीके की, तो जैसा जुर्म करने की उसने कोशिश की है उसी तरीके की सज़ा उसको दी जाएगी अगर वो पकड़ा जाता है। तो ये जो आपका टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी तबीयत ठीक होने के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि मैं और मेहनत से पढ़ा सकूँ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसकी जो PDF है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, और पिछले PDF भी अगर नहीं दे पाया हूँ तो उसके लिए सॉरी, मैं कोशिश करूँगा कि सारे PDF को मतलब डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँ। अगर नहीं भी कर पाया तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने मतलब पूरे चैप्टर को एक साथ वाइट बैकग्राउंड के साथ अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप उसका फ़ायदा और लुत्फ़ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।